Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is हिंदी बाल भारती पहली कक्षा धड़ा क्रमांक 5 झंडा. तो देखते हैं इस लेसन में हमें क्या क्या सिखाया गया है. ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत. उससे पहले आप हमारे e-learning वेबसाइट smartschool.infolips.com स्पोर्ट्स साइट फॉलोइंग sports.com मराठी सर्व काही मराठी रंग.com एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम और क्राफ्ट चैनल जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना. तो देखते हैं आज का लेसन झंडा. झंडा चित्रवाचन, देखो समझो और बताओ. तो यहाँ पे एक चित्र दिया है, उस चित्र में देखना है हमें और बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक घर दिख रहा है, तो ये क्या हो सकता है ये हम बाद में देखेंगे. यहाँ पे उस घर के आंगन में एक पेड़ है और यहाँ पे पताका सब लगाई है क्योंकि यहाँ पे झंडा रोहन का कार्यक्रम होने वाला है. तो झंडा रोहन कब होता है पता है ना आपको, या तो 15 अगस्त या तो 26 जनवरी को. करेक्ट, ये झंडा रोहन का कार्यक्रम होने वाला है. उसके लिए यहाँ पे देखो कुछ बूढ़े लोग जो है वो व्हील चेयर पर आए हैं, कुछ वैसे रोहन का कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं. यहाँ पे कुछ बूढ़ी औरतें हैं, यहाँ पे दो सेविकाएं दिख रही है वो जो झंडे को सलाम करे. यहाँ पे बच्चे हैं, कुछ स्कूल से आए हुए हैं कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उनके टीचर भी हैं. तो इस तरह से इस चित्र को देख के हमें पता चल रहा है, यहाँ पे देखो झंडे का जो पोल है उसके बाजू में रंगोली भी अच्छे से निकाली है क्योंकि ये एक हमारा त्यौहार है और हम इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. इसलिए रंगोली पताका ये सब जरूरी होता है क्योंकि उसी से हम हमारे त्यौहार का आनंद व्यक्त कर सकते हैं, है ना. तो हम जब भी त्यौहार रहता है इस तरह से रंगोली निकाल के हमारी खुशियाँ जाहिर करते हैं. ठीक है, तो इस चित्र में हमने जो जो था वो बता दिया है. चलो देखते हैं हमें और क्या क्या बताया है. सुनो, सुनो और दोहराओ. तो ये कुछ शब्द हैं जिनका कुछ मीनिंग नहीं है, देखो अगर रीड करोगे तभी पता चलेगा. यहाँ पे इडली, तो एक एक शब्द दिया है इनका पूरा वाक्य नहीं. इडली, झुंड, दिराड, मडरू, जोड़, कड़ाही, कड़क, झरना, अंडा, प्रातः, सुअंब, झंडा, सलामी, वृक्ष, बैसाखी, साड़ी, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं, आंगन, चबूतरा, दिव्यांग. तो ये सारे शब्द है जिसको हमने पढ़ा है, आप लोगों को भी पढ़ना आना चाहिए, याद रखना पढ़ना आना चाहिए. अब जब से अ आ ई ई सीखते जा रहे हैं वैसा वैसा हमें नए नए शब्दों को पढ़ना भी आना चाहिए. यहाँ पे देखो आनंद और खुशी वृद्धाश्रम गए है, तो आनंद और खुशी कौन हो सकते हैं, ये है खुशी और ये है आनंद. ठीक है, तो आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे इस चित्र में हमें कौन कौन है वो पता चलेगा. ठीक है, यहाँ पे देखो वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही रहते हैं, इसका मतलब ये जो घर हमने बताया था ये क्या है, एक वृद्धाश्रम है. और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे वृद्ध लोग, यहाँ पे ये दोनों भी है, तो ये सारे वृद्ध लोग रहते हैं, तो वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग रहते हैं. फूलों से रंगोली बनाई है, ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है. तो ये जो रंगोली है ये किससे बनाई है, फूलों से, और ध्वजारोहण का ये देख रहे हो ना झंडा, तो यह कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है. विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं, तो इस साइड में हमारे किसी पाठशाला के विद्यार्थी है और ये उनके शिक्षक भी आए हैं. सभी झंडे को सलामी दे रहे हैं, सलामी मतलब क्या है, ये जो हाथ देके यहाँ पे माथे पे हाथ रखते हैं और झंडे की तरफ देखते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सलामी. तो सभी लोग झंडे को क्या दे रहे हैं, सलामी दे रहे हैं. ध्वजारोहण में दिव्यांग भी शामिल है, दिव्यांग मतलब ये देखो जो व्हील चेयर पे है ना, तो ऐसे जो जिनके कुछ अंग नहीं रहते हैं उन जिनमें कुछ खामियां रहते हैं तो उनको कहते हैं दिव्यांग. जैसे यहाँ पे ये जो वृद्ध महिला है वो भी दिव्यांग है. ठीक है, वो भी शामिल हुए हैं. वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है और ये ध्वजारोहण के लिए वृद्धाश्रम बहुत अच्छे से सजाया है और इसका परिसर भी सुंदर है. ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे. यहाँ पे देखो, देखो और पेंसिल फिराओ. तो यहाँ पे कुछ अक्षर दिए है, उनको हमें सीखना है किस तरह से निकालते हैं. तो ये देखो जहाँ पे नंबर दिए हैं, तो ये हमें ड निकालने के लिए बोला, एक, फिर यहाँ से दो, फिर यहाँ से यहाँ तक तीन, और फिर ये लाइन चार. समझा, एक, दो, तीन, और ये
चार। तो जैसे ये बताया जाता है वैसे ही प्रकार से आप लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि अगर इसी तरह लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी रहेगी और आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से एक दो तीन, ये यहाँ पे ये है चार और पाँच और ये बन गया छः। तो ये है झ, झ से झरना। ओके, फिर से यहाँ पे देखो ड, दो तीन और ये यहाँ पे एक डॉट एक्स्ट्रा, तो ये है चार और ये लाइन पाँच। ओके, देखते हैं फिर से दूसरा, एक दो तीन चार, तो ये ड, यहाँ पे देखो एक दो, ये है तीन चार और ये पाँच और ऊपर एक बिंदी छ, तो ये बन गया अम, अम से अंगूर, एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो ये बन गया आहा। तो आज हमने ये कुछ शब्द कुछ अक्षर नए सीख लिए, अम आहा ड झ। तो देखते हैं इनसे कुछ बने हुए शब्द, यहाँ पे अम और आहा। तो अम के लिए क्या आता है, किसी भी अक्षर के ऊपर ये बिंदी रहेगी और आहा किसी भी अक्षर के आगे ये दो बिंदु रहेंगे। ठीक है, भाषण संभाषण पहचानो और बोलो, तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और कुछ उन चित्रों को का पहला अक्षर क्या है वो दिया है। जैसे यहाँ पे ड से डमरू, झ से झरना, अन से अंगूर, यहाँ पे ड, ड से ये सड़क, सड़क के लिए ये ड आता है, इसके इसे कहते हैं नुक्ता। ठीक है, ये क्या है वाण्मय मतलब ग्रंथ, ये प्रातः सुबह। ठीक है, तो इसके लिए आहा। ओके, वाचन पढ़ो, आगे क्या क्या दिया है देखो, यहाँ पे झेप झुंड, तो ये दिख रहा है ये अन की मात्रा है, अन का बिंदु है, झुंड झूला डोली खंडवा तवाड़ पापड़ झरना झिझक पगड़ी अंत ताह, तो यहाँ पे देखो अन भी आया है और ताह भी आया है, तो अंत ताह मतलब आखिर में, डंका डोंडी डिलडोल पतड़ अतहा पंच संत घट्टी संगीता कंगन रख अंगत डंडा पकड़ अंबर मंजन कर संजय पंखा चला। तो ये देख रहे हैं अम वाले कितने सारे शब्द है, पंकज पापड़ ला सुनीता रंगोली में रंग भर। ओके, तो कितने सारे शब्द हमारे लिए मिले हैं, अन के आहा के ड से झ से बने हुए है ना। तो लेखन समझो और लिखो, यहाँ पे चित्र का निरीक्षण करो और उनके नाम बताओ और शब्द सुनो और समान ध्वनि पहचानो, ध्वनि पहचानना है। जैसे यहाँ पे ये क्या है डलिया, तो ये क्या हो सकता है उसका समान ध्वनि वाला शब्द, तो ये बलिया के लिए हो सकता है, डलिया के लिए दूसरा समान ध्वनि वाला कौन सा है बलिया। यहाँ पे देखो जोड़ना, तो जैसे ये है भेड़ और ये है पहाड़, तो ये ड ड ड को प्रोनाउंस करने वाले जो जो ड का उच्चार करने वाले जो शब्द है वो लिखेंगे, तो भेड़। यहाँ पे देखो झबला, तो इसको क्या कहते हैं फूल झड़ी, तो यहाँ पे झ शब्द आया है। इसको क्या कहते हैं झांझ, तो इस यहाँ पे भी झ आया है। और यहाँ पे है कंदील जंजीर, और ये क्या है अंजीर, तो हम दे देंगे अंजीर, अन के ऊपर एक बिंदी और जीर अंजीर। अंततः, अंततः मतलब आखिर, अतः यहाँ पे क्या है प्रातः, नमस्कार प्रणाम, ऐसे शब्द यहाँ पे दे सकते हैं। और कुछ दिया है यहाँ पे फिर से अम और आहा, तो इनको इन दोनों अक्षरों को आज हमने देख लिया, देखो पेंसिल फिराओ और पढ़ो। तो यहाँ पे कुछ अम वाले शब्द दिए है, उनको फिर से देखते हैं। ये है म, म के ऊपर बिंदी मम, ये है ज और ये ई की मात्रा, और फिर ये है ल, तो ये बन गया मंजिल। यहाँ पे हम फिर से र, र के ऊपर बिंदी रंग, ये है ग, ग को ओ की मात्रा, और यहाँ पे बन गया ये ली। ओके,
यहाँ पे देखो अ के यहाँ पे अन, ये है त, त के यहाँ पे ताहा, अंतताहा, करेक्ट। ये है ग, यहाँ पे है गु, ये अम के बिंदु, तो गुन, ट, टू, र, गुंटूर। ये देखो ब, एक बे और बे, यहाँ पे र, रंग, और ये ग, बे रंग। और आखिरी शब्द है क, का, को, कौ। तो जिस तरह से हम बनाते जाएंगे वैसा वैसा उस शब्द का उच्चार भी करते जाना है। जैसे यहाँ पे देखो त, और यहाँ पे एक दंड मात्रा दे दी तो ते, कौ, ते, यो। ओके, तो इस तरह से आपको भी नए नए शब्दों को पढ़ना आना चाहिए, उसको लिखना भी आना चाहिए। तो उसके लिए इस तरह से पेंसिल फिरा के हमें पहला वो शब्द सीखना है, उसका उच्चार समझना है, और आगे वो हमारे बुक नोटबुक में लिखते जाना है, ताकि हमें वो हमेशा के लिए याद रहे। ओके, तो बस नेक्स्ट धड़ा हम देखने वाले हैं मेरी पहचान। तो आज के लिए बस इतना ही है, यहीं पे ख़त्म होता है आज का हमारा ये लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्किल के साथ। बाय।